गोरखपुर राजघाट क्षेत्र के अलैदा पोर बनकटी चक में देर रात करीब 11 बजे के आसपास डॉक्टर कपिल अहमद के मामा नसरुद्दीन वारसी उर्फ अफसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह प्रॉपर्टी विवाद की बताई जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। बीआईडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कांड से चर्चा में आए डॉक्टर कपिल खान के मामा अलहदापुर बनकटी चक निवासी नसरतुल्ला वारसी की शहर में कई जगह प्रॉपर्टी है। वह रोज की भांति अपने मकान से थोड़ी दूर पर सिराज तरीका वकील के घर कैरम खेलने गए थे। वह कैरम खेलकर रात करीब 11 बजे घर के लिए निकले। वह मकान के बगल स्थित मकबरे के मुख्य गेट पर पहुंचे तो एक युवक पहले से खड़ा था। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर बातें करते हुए गेट के अंदर गए। अंदर पहुंचते ही युवक ने तमंचा निकाल लिया। वह उसकी मंशा समझ गया। उसने दौड़ाकर उनकी खोपड़ी में गोली मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आसपास के लोग जब तक पहुंचते हमलावर फरार हो चुका था। मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आसपास के लोगों से पूछताछ करने में जुट गई। नसरतुल्ला वारसी और अफसर की हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद की आशंका जताई जा रही है। प्रॉपर्टी के अलावा अन्य बिंदुओं को भी केंद्र में रखकर पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस का मानना है कि हमलावर परिचित था। गेट पर उसके मिलने पर वह कंधे पर हाथ रखकर कुछ दूर तक गए थे। घर वालों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ तहरीर दी है जिसकी तलाश में पुलिस की तीन टीमें दबिश दे रही हैं। वहीं सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कहा है कि प्रथम दृष्टया हत्या का कारण प्रॉपर्टी विवाद लग रहा है। परिवार वालों ने एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की है। उसकी गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा। सगे मामा नसरतुल्ला वारसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, क्या कुछ मामला है इसमें? ये कल 22 तारीख की रात लगभग 10:35 के आसपास में नसरतुल्ला वारसी जो राजघाट थाना क्षेत्र के रहने वाले थे उनकी एक किसी व्यक्ति द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई है। इस संदर्भ में इनके परिवार वालों द्वारा दो लोगों के विरुद्ध संदेह जाहिर करते हुए FIR दी गई है। FIR पंजीकृत कर ली गई है और इस पर विधिक कार्रवाई की गई। सर प्रथम दृष्टया इसमें क्या लग रहा है, क्या मामला है? इनके परिवार द्वारा जिन व्यक्तियों पर संदेह जाहिर किया गया है उन पर जमीन और पैसे के लेन देन के मामले की बात निकल के आई है और इनके पीछे कई पुलिस टीमें लगाई गई हैं और जल्दी ही हम इसे वक्त